नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। और बड़ी खबरों में पहले नंबर पर है, इजरायली रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने दावा किया है कि इजरायल के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना की वैक्सीन को तैयार कर लिया है और शोधकर्ता इसे पेटेंट कराने की तैयारी में है। और बड़ी खबरों में दूसरे नंबर पर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी वकील सरिता कोमाती रेड्डी को न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में बतौर न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए नामित किया है। और बड़ी खबरों में तीसरे नंबर पर है, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना और लॉकडाउन के कारण छात्रों से किराया नहीं मांगने और श्रमिकों से मकान खाली नहीं कराने का मकान मालिकों को निर्देश संबंधी गृह मंत्रालय के आदेश पर अमल के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। और बड़ी खबरों में चौथे नंबर पर है, कांग्रेसी सांसद अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। इस समिति में लोकसभा और राज्यसभा के 19 दूसरे सदस्य भी चुने गए हैं। और बड़ी खबरों में पांचवें नंबर पर है, उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान सभी के लिए खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने का केंद्र और राज्य को निर्देश देने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें इसके लिए केंद्र सरकार को प्रतिवेदन देना चाहिए। और बड़ी खबरों में छठे नंबर पर है, कर्नाटक के चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री के सुधाकर ने कांग्रेस द्वारा प्रवासी मजदूरों की यात्रा का खर्चा उठाने को लेकर ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस को सड़कों पर घूम घूम कर मजदूरों के लिए बसों और ट्रेनों का भाड़ा देने का प्रचार करता देख यह स्पष्ट है कि यह एक बड़ी नौटंकी है। और बड़ी खबरों में सातवें नंबर पर है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने में भारत सक्षम रहा है। इसके आगे उन्होंने कहा कि हमें हर फैसले पर सोच समझकर विचार करना होगा। और बड़ी खबरों में आठवें नंबर पर है, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रवासी मजदूरों से राज्य में बने रहने की अपील करते हुए कहा कि अगर सभी प्रवासी मजदूर अपने राज्यों में चले जाएंगे तो गोवा को आर्थिक रूप से पटरी पर लाने में दिक्कत होगी। ऐसे में गोवा के पास जब आदमी नहीं होंगे तो गोवा को सशक्त कैसे बनाया जाएगा। और बड़ी खबरों में नौवें नंबर पर है, दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में बढ़ोतरी करने पर दिल्ली के भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट कर आप सरकार को घेरा और कहा कि चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सब कुछ फ्री दे रही थी लेकिन अब 2 महीने बाद ही टैक्स ले रही है। और बड़ी खबरों में दसवें नंबर पर है, हरियाणा में अचानक कोरोना के मरीजों का ग्राफ में उछाल आने पर पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चिंता जताई और कहा कि ताजा हालात की समीक्षा के बाद ही सरकार लॉकडाउन में ढील दे। और बड़ी खबरों में 11वें नंबर पर है, उत्तर प्रदेश के विधायक अमर मणि त्रिपाठी प्रकरण को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए या फिर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को त्याग पत्र दे देना चाहिए। और बड़ी खबरों में 12वें नंबर पर है, लॉकडाउन के बीच पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने आज खरीफ सीजन के दौरान राज्य के किसानों को धान और मक्के की खेती के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनरी पर 50% सब्सिडी देने की घोषणा की है। और बड़ी खबरों में 13वें नंबर पर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लोगों की जिंदगी को सहारा देने वाली सबल योजना को हम फिर से शुरू कर रहे हैं जिसे पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि सबल योजना के तहत कोई गरीब अगर किसी शिशु को जन्म देगी तो जन्म के दिन से पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपए उनके खाते में आएंगे। और बड़ी खबरों में 14वें नंबर पर है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड सेकेंड भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो गया है, जहां भर्ती में चयनित 11,322 अभ्यर्थियों को जिला विभाग आवंटन और नियुक्ति की सूचना संबंधित विभागों द्वारा दी जाएगी और दस्तावेज सत्यापन लॉकडाउन के बाद किए जाएंगे। और बड़ी खबरों में 15वें नंबर पर है, देश में लॉकडाउन 3.0 लागू होने से आरबीआई बैंक लोन पर मोरेटोरियम को 3 महीने आगे बढ़ा सकता है। सूत्रों के अनुसार इंडियन बैंक एसोसिएशन सहित कई जगहों से स्थगन को आगे बढ़ाने के बारे में सुझाव आए हैं। और बड़ी खबरों में 16वें नंबर पर है,
लॉकडाउन में वीडियो स्ट्रीमिंग की बढ़ती मांग को देखते हुए एयरटेल ने एयरटेल थैंक्स के सभी ग्राहकों को G5 का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फ्री देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि एयरटेल के ग्राहकों के लिए यह मुफ्त सुविधा 4 मई 2020 से लेकर 12 जुलाई 2020 तक रहेगा। और बड़ी खबरों में 17वें नंबर पर है, एक रिसर्च के मुताबिक ब्रोकली में एक खास तत्व होता है जिसे सल्फोरेपेन कहते हैं। ये तत्व फेफड़े की कोशिकाओं में जींस की एक्टिविटी को बढ़ाता है जिससे फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। और बड़ी खबरों में 18वें नंबर पर है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने कोरोना से निपटने में मदद के लिए 20 लाख रुपए की राशि जुटाई है। भारतीय टीम ने 18 दिन के फिटनेस चैलेंज के जरिए यह पैसा जुटाई है जो 3 मई को खत्म हुआ है। और बड़ी खबरों में 19वें नंबर पर है, देश के सिनेमाघरों की यूनियन मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने फिल्म निर्माताओं और कलाकारों से अपील की है कि वे इस मुश्किल घड़ी में सिनेमाघरों पर भरोसा जताएं और अपने फिल्में OTT पर रिलीज ना करें। गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण आजकल फिल्में OTT पर रिलीज हो रही है जिससे सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स का बिजनेस ठप हो रहा है। और बड़ी खबरों में 20वें नंबर पर है, बॉलीवुड अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह लॉकडाउन के दौरान एक शॉर्ट फिल्म की पटकथा लिख रही है जिसको लेकर चित्रांगदा ने कहा है कि उनके पास बहुत खाली वक्त है जिसमें वह अपना पूरा ध्यान एक शॉर्ट फिल्म की पटकथा पर लगा रही है जिसे बहुत जल्द वह पूरा कर लेगी। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।